पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में आज 68 सीटों के लिए मतदान सुबह शुरू हो चुका है। हिमाचल का रिवाज बदलने के दावे करने वाली भाजपा के दिग्गज नेताओं ने भी वोट डालने शुरू कर दिए, जबकि अपनी जीत का दावा कर रही कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़ कर वोटिंग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक की बात की जाए तो 3.76% मतदान हुआ है। मतदाताओं में वोटिंग के लिए भारी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भी परिवार के साथ मतदान किया। कई जगहों पर मतदान केंद्रों पर गुब्बारों से सजावट की गई है, जबकि चंबा जिले के कबायली क्षेत्र पांगी के पुर्थी मतदान केंद्र में सुबह 8 बजे से ईवीएम मशीन खराब थी, जिसके चलते मतदान काफी देरी से शुरू हो पाया। कई और जगहों से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रम आदित्य सिंह ने रामपुर के मतदान केंद्र पर मतदान किया। उन्होंने मतदान से पहले शिमला के रामपुर में शनि मंदिर में दर्शन किए। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री और कसुमटी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज ने भी मतदान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा रिवाज बदलने वाली है। कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में जीत होने वाली है और राज्य की दशा और दिशा बदलने के लिए ये चुनाव हो रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा में हमारी सरकार दोबारा बनी है, इस बार हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी ऐसा ही होने जा रहा है। भाजपा सरकार में सुशासन, विकास और जन कल्याण के कई काम हुए हैं। जन विकास और जन कल्याण, यही है हमारी पहचान। एक रिपीटेशन का कल्चर रहा है अनुराग जी के। कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी आती है, कांग्रेस उस पे दाव भी लगा रही है, प्रधानमंत्री ने भी बोला, तो क्या ये ट्रेंड बदलेगा इस बार? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा सब में फिर हमारी सरकारें बनी, तो अब की बार भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी होगा, क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं। बता दें कि 8 दिसंबर को हिमाचल चुनाव के नतीजे आएंगे और साफ हो जाएगा कि हर 5 साल बाद सरकार बदलने वाला हिमाचल रिवाज बदलेगा भी या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और अपडेट्स के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।